Hi everyone, today we have discussed the remaining questions from the chapter our constitutions. Okay, in question number E, exercise number E, answer the following questions. Question number 1, what is a constitution? Now, answer is given here that it is the basic rules or the fundamental law of a country. सबसे पहले एक बात आता है क्वेश्चंस ये है आपके पास में कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशंस है क्या, संविधान है क्या, तो कहते हैं कि यह एक तरह से बेसिक रूल्स या फिर फंडामेंटल लॉ होता है किसी कंट्री का. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, मतलब क्या होगा कि कब और क्यों ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो इलेक्ट किया गया. तो इसमें हम लोग आंसर दे सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड इन 1946. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो कब इलेक्ट हुआ था, इन 1946 में, किसके लिए, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ अ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मेन पर्पस क्या था, स्पेसिफिक पर्पस क्या था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से क्या कर रहे हो, फ्रेम कर रहे हो, मतलब एक तरह से तैयार कर रहे हो, बना रहे हो. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो था वो एक तरह से इलेक्ट किया गया था. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Why was the drafting committee form? कहते हैं ये drafting जो committee था, इस drafting committee को क्यों form किया गया था? इसके पीछे भी कारण था. The drafting committee was a form. इसका answer हम लोग लिखेंगे. The drafting committee was formed to prepare a draft of the constituent for the discussion. मतलब क्या हुआ? एक तरह से इसको खास करके drafting committee को form किया गया था. To prepare a draft, मतलब एक draft prepare करने के लिए अपने constitutions का for discussion के लिए, मतलब जिसके ऊपर में जो है ना वो बातें किया जाता है. कहते हैं कि कोई भी जो rules वगैरह law वगैरह जो बनता है ना वैसे नहीं बनता है, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें रहती है जहां पर मैं आम पीपल के सामने में, मतलब आम जनता के सामने में इस बात को रखा जाता है, डिबेट होती है, इसका क्या असर होगा, सही या गलत, ये सारी की सारी बातें जो है ना वो एक तरह से इसमें समझाया जाता है. और उसके बाद में जैसे मेजोरिटी ऑफ जो उस समय में डिसीजन आता है उसी डिसीजन के हिसाब से इस प्रपोज को आगे बढ़ाया जाता है. तो ड्राफ्टिंग कमिटी को फॉर्म किया गया था खास करके टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन के लिए. तो ये हमारी आंसर हो गई. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, द प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल, एक्सप्लेन. कहते हैं कि प्रीएम्बल को एक तरह से नॉट जस्टिसिएबल कहा गया, क्यों ऐसा कहा गया इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. तो कहते हैं द प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन टू बी द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. कहते हैं कि प्रीएम्बल एक तरह से नाइदर, मतलब इसके पास न सोर्स ऑफ पावर होती है लेजिस्लेचर का और ना ही प्रोहिबिशन करता है पावर ऑफ द लेजिस्लेचर का. इट इज नॉन जस्टिसिएबल दैट इट्स प्रोविजंस आर नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. और एक तरह से अगर हम लोग देखें इनको नॉन जस्टिसिएबल कहा जाता है क्योंकि ये इसका जो प्रोविजंस वगैरह से होते हैं ना, ये प्रोविजंस जो है वो एक तरह से कोर्ट्स ऑफ लॉ में इनको इनफोर्स नहीं किया जा सकता, किसी बात के लिए इनको जबरदस्ती नहीं की जा सकती. तो इसीलिए प्रीएम्बल को नॉट जस्टिसिएबल एक तरह से कहा गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रीएम्बल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कहते हैं कि इसमें किस तरह से प्रीएम्बल जो है ना वो हमें हेल्प करता है, किसके लिए, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए. तो आंसर में यहां पर कुछ पॉइंट में हमने दिया है कि द प्रीएम्बल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉइंट नंबर 1, पॉइंटिंग आउट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसको पॉइंटिंग आउट करना. नाउ एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द स्टेट दैट द कंट्री विल बी द गवर्न्ड बाय. और इतना ही नहीं, एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में जहां पे किसी कंट्री में जो है ना वो गवर्न किया जाएगा वहां पे. नाउ नंबर 3, स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशंस एम टू प्रोवाइड एंड द इंप्लीमेंटेड. कहते हैं कि ये स्टेट भी करता है इस बात को, इस ऑब्जेक्टिव को, किसके लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू प्रोवाइड, मतलब जो हमारे संविधान का एक तरह से एम है प्रोवाइड करने की और इंप्लीमेंट करने का. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो हमें हेल्प करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए. अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 6 है,
write a short notes on the two words added to the our constitutions by the 42nd amendment act. कहते हैं कि जब 42nd amendment act बना था ना अपने constitutions में जो दो word use किया गया था जोड़ा गया था उस word के बारे में आपको बोलना है और उसके बारे में आपको समझाना है. शॉर्ट नोट ऐसी लिखनी है तो उसमें आप लोग सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये दो वर्ड जो था ना उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd एमिनेंट एक्ट में क्या किया गया था इसको एक तरह से ऐड किया गया था. कौन कौन सा वर्ड, एक था आपका सोशलिस्ट और दूसरा जो था आपका सेक्युलर. अब हम लोग आते हैं सबसे पहला वर्ड जो सोशलिस्ट था उसको डिफाइन करते हैं. इट्स मेन पर्पज इज, तो हम लोग आते हैं सोशलिस्ट में कहते इट्स मेन पर्पज इज टू एंड द इनइक्वलिटी ऑफ अ इनकम एंड स्टेटस. कहते इसका जो मेन पर्पज है ना वो है टू एंड इनइक्वलिटी का, मतलब जो इक्वलिटी है उसको खत्म करने का ऑफ इनकम एंड स्टेटस के बारे में. इट्स आल्सो एम्स टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग टू ऑल. और इतना ही नहीं इसका ना और एक है एम, क्या चीज का एम है, द प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग टू द ऑल, मतलब सभी पर्सन सही से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, इसका एक मेन एम सोशलिस्ट का ये भी है. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसी में दिया गया है वो हमारा है सेक्युलर का. सेक्युलर का मतलब इसमें सबसे पहले समझते हैं और क्या है इसका मेन. कहते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया क्या अपनी एक तरह से सेक्युलर कंट्री है. और सेक्युलरिज्म मींस, अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, दैट नंबर वन द स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजियंस इक्वलिटी. मतलब क्या हुआ कि ये जो अपनी कंट्री है वो आपका ऑल रिलीजियस जितने भी यहां पर बैठाने वाले हैं ना उनको इक्वलिटी प्रदान करता है, इक्वली वो देखता है. नाउ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन, और यहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसके ऊपर में, तो ऑन द बेस ऑन द रिलीजन, मतलब किसी एक को रिलीजन को लेकर के अपने कंट्री में एक तरह से कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो ये पॉइंट आपका सेकुलर से रिलेटेड हो गया. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस. अब हम लोग आते हैं ये सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के बीच में क्या डिफरेंसेस है. तो सबसे पहले हम लोग तो सोशल जस्टिस में, सोशल जस्टिस इंप्लाइज दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रेस, जेंडर और द रिलीजन. बट इकोनॉमिक जस्टिस इंप्लाइज रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. अब बात यहां पे है सोशल जस्टिस का, तो ये इंप्लाइज करता है आपको कि कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ चाहे वो किसी कास्ट के ऊपर में, रेस के ऊपर में, जेंडर के ऊपर में या फिर रिलीजन को लेकर के. लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस ये बात इंप्लाइज करता है, रिड्यूसिंग करता है ये वो गैप जो खास करके किसी गरीब और किसी बड़े आदमी यानी कि रिच पर्सन के बीच में होता है. तो इन सबों को लेकर के वो लोग क्या करते हैं, वो एक तरह से गैप जो है ना वो फुलफिल करता है. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, दिया कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी. अब हम लोग डिफरेंसेस यहां भी देखेंगे लिबर्टी के बारे में भी और इक्वलिटी के बारे में भी. मैंने जो पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने एक एक करके पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया था लिबर्टी के बारे में, इक्विटी के बारे में, सारे चीजों के बारे में. अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको जरूर पता चल जाएगा कि लिबर्टी क्या है और इक्विटी क्या है. अब हम लोग आते हैं लिबर्टी का मीन्स में. लिबर्टी मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू एंजॉय द बेसिक राइट्स एंड लाइफ और लाइफ ऑफ अ डिग्निटी. कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब ही होता है कि एवरी इंडिविजुअल जो भी पर्सन है यहां पर अपने देश में रहने वाले ये फ्री टू एंजॉय, मतलब वो रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना बेसिक राइट्स को लेकर के और जो लाइफ ऑफ डिग्निटी है उसके साथ वो अपने कंट्री के अंदर में रह सकता है. तो ये आपका लिबर्टी का एक तरह से मीनिंग आ जाता है. लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक का इक्विटी का मतलब अगर समझे तो इक्विटी में दिया कि इट मींस ऑल सिटीजन आर द इक्वल बिफोर लॉ. कहते हैं कि लॉ से पहले सभी के सभी जितने सारे सिटीजन वगैरह अपने कंट्री में है ना जो भी नागरिक है ना वो सभी के सभी इक्वल है लॉ से पहले एंड एंजॉय द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. और इतना ही नहीं वो सभी के सभी एंजॉय कर सकते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन सभी को दिया गया है लॉ के द्वारा. तो ये सारा का सारा पॉइंट हमें एक तरह से बताता है लिबर्टी के बारे में और इक्विटी के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. नेम द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्क्राइब दियर फंक्शन ब्रीफली. आपको थ्री ऑर्गन्स का नाम लिखना अपने गवर्नमेंट्स का और इतना नहीं
इसके बारे में भी, इसके फंक्शंस के बारे में भी लिखना है। तो हम लोग आते हैं थ्री, जो भी हमारे पास में एक तरह से ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसका नाम भी देंगे, और प्लस इसका क्या वर्क है, इसमें कौन कौन कंसिस्ट है, इंक्लूडिंग है, उसको भी समझाते हुए हम लोग पढ़ते हैं आंसर। तो आंसर लिखेंगे द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर, ये दे देंगे, नंबर वन द लेजिस्लेटिव, सेकेंड वन द एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड वन द जुडिशियल। हमने क्या क्या कहा, द लेजिस्लेटिव, सेकेंड में मैंने कहा द एग्जीक्यूटिव, और थर्ड में मैंने कहा द जुडिशियल। यही तीन आपके ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है। अब इनका काम क्या है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन में द लेजिस्लेटिव का, इसमें कि इट इंक्लूड्स द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ द वेरियस स्टेट, कहते हैं इसमें आपका पार्लियामेंट जुड़ा हुआ है और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना वेरियस स्टेट का वो जुड़ा हुआ है। इट मेक्स लॉ, इसका वर्क होता है इट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री, ये अपने कंट्री के लिए ना लॉ बनाता है, कानून बनाता है। तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, ये इंक्लूड होता है पार्लियामेंट से स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ वेरियस स्टेट का, और ये आपके कंट्री के लिए लॉ बनाता है, ये चीज याद रखना है। अब आते हम लोग सेकेंड में, सेकेंड पॉइंट हमारा है द एग्जीक्यूटिव का, ये ऑर्गन का क्या है, तो इट इंक्लूड द प्रेसिडेंट। अब इसमें कौन कौन जुड़ा होता है ध्यान से सुनना, इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सो ऑन, ये सब इसमें इंक्लूड है। एंड इट कैरीज आउट, और ये आपको लेके चलता है किस चीज को, द डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर में आपका डिसीजन वगैरह बनता है उसी को ये क्या करता है, यहां से कैरी आउट करता है। तो लेजिस्लेटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा, खासकर कि यहां पर मैं आपका लॉ बनता है तो इसी लॉ को वो कैरी करता है, जो डिसीजन बनाया जाता है लॉ के लिए, और उसको आगे लेकर के चलता है। अब हम लोग आते हैं जो हमारा लास्ट ऑर्गन्स है, और वह है आपका द जुडिशियल का, क्या है ये, द जुडिशियल। अब इसमें कौन कौन है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स, कहते हैं कि इसमें आपका जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, और आपका जो लास्ट का है लोअर कोर्ट वहां तक। एंड द जुडिशियरी प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और जुडिशियरी में क्या है एक तरह से कि जितने भी सारे राइट्स वगैरह हैं अपने कंट्री में, जो सिटीजन्स हैं, जितने सारे लोग रहने वाले होते हैं ना, इनका जो राइट होता है ना, इसी राइट को क्या किया जाता है, इसके अंदर में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको रखा जाता है, सही से इसको बचाया जाता है। तो ये सारे के सारे तीन, थ्री ऑर्गन्स जो थे हमारे गवर्नमेंट का, उसका नाम हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बारे में उसमें कौन कौन कंसिस्ट है, वो उसका वर्क वगैरह क्या है, ये सारा का सारा चीज आप लोगों को यहां पर कंप्लीट किया गया। दैट्स ऑल।